आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, लेक्चर 24 हम देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, क्लेमेंट एटली ने ये भारत की आज़ादी के बाद एक स्टेटमेंट दिया था जब क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे भारत की आज़ादी के समय, कि गांधी जी नहीं सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमको आज़ादी मिली। तो सुभाष चंद्र बोस का रोल क्या था भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में देखेंगे। उनका कहना कहीं ना कहीं सही भी है, दोनों की वजह से आज़ादी मिली, सारे लीडर्स की भी आज़ादी मिली, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो काम है वो वाकई में उनको एक स्टेप सबसे आगे ले जाता है। तो आज हम मेरे आइडल सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी और जो इसके बाद अपराइजिंग हो गई, अगर आर्मी धोखा देना शुरू कर दे, आर्मी अगर देश के खिलाफ हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे। 1857 में भी यही हुआ था, यही डर सताने लगा, लेकिन पूरी आर्मी खिलाफ नहीं हुई थी। अगर उस समय आर्मी या किसी समय भी ब्रिटिशर के खिलाफ आर्मी हो जाती तो समझ लीजिए उनका बैंड वहीं बच जाता। तो सबसे पहले तुम सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। दोस्तों कटक में जन्मे, कटक में जन्मे थे ये, बहुत ही गजब का परिवार था। इनकी आप ऑटोबायोग्राफी, हालांकि वो इनकम्प्लीट है, एन इंडियन पिलग्रिम आप जरूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, कमाल का उसमें कैरेक्टर दिखाया है सुभाष चंद्र बोस का। लोगों की मदद करना शुरू से ही था दोस्तों, बचपन से ही लोगों की मदद करते थे। इनके घर के सामने एक बूढ़ी महिला रहती थी, हमेशा उनका ख्याल रखते थे। जो लाशें होती थी जिनका कोई क्रियाकर्म नहीं करता था वो सुभाष चंद्र बोस करते थे, उनका क्रियाकर्म करते थे। अपने परिवार से बिल्कुल दूर हो गए थे और इनके परिवार बोलते भी थे, इनके परिवार थोड़ा ब्रिटिश को फेवर करते थे क्योंकि पिताजी भैया बहुत अमीर, ऊपर से आई थिंक इनके पिताजी वकील थे जहां तक मैं सही हूँ, मतलब सरकारी काफी अच्छे खासे पद पे थे, ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इनके पिताजी बड़ा खफा रहते थे सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, वो दोस्तों के साथ बिजी रहते थे, वो दोस्ती बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उनके दोस्त ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत ही जबरदस्त थे। और पूरा भारत उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही, कॉलेज टाइम में उन्होंने पूरा भारत जो है वो घूमना शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी थे ना, प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी इन्होंने बवाल कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी वहां पे टीचर से पंगा ले लिया था और स्ट्राइक कर दी थी वहां से, इसीलिए प्रेसिडेंसी कॉलेज से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। और एक बार ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फिर एकदम से इनको ताकत आती है और फिर योगी बनने की कवायद शुरू कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर पूरे भारत में घूमना, बनारस गए, वहां पे योगी बनने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली भैया पॉलिटिक्स में ही इनका पूरा जाना था। अच्छा एक चीज और बता दूं, सुभाष चंद्र बोस ने 6 महीने में सिविल सर्विस निकाला था। इनको इंग्लैंड भेजा गया था, कैम्ब्रिज भेजा गया था, वहां पे क्योंकि उस समय सिविल सर्विस आपको निकालना होता था तो आपको बाहर ही जाके पढ़ाई करनी होती थी, इंग्लैंड जाके पढ़ाई करनी होती, तो परिवार ने भेजा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में निकाला था और ये टॉप 5 में थे, रैंक मैं भूल गया हूं लेकिन टॉपर थे ये, तब भी इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को लात मार दी, नहीं करूंगा मैं क्योंकि भारत को आजाद कराना है मुझे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में ज्वाइन किया था, स्वराज नाम का पेपर चलाया था और उसके बाद बहुत ही जल्द इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ही ऊपर आ गए, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। फिर बंगाल में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कैलकटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ और 1930 में मेयर ऑफ कैलकटा चुने गए, ठीक है, यंगेस्ट मेयर थे जो चुने गए, गजब का इनका कैलिबर था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के जैसा लीडर होना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, एक बहुत बड़ा मिथ है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद थे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी आपको बता रहा है वो आपको बहका रहा है, इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं है। आइडियोलॉजीज में मतभेद बाद में हुए थे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में, मनभेद नहीं था। आपको जानना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, जब इंडियन नेशनल आर्मी अभी बनाएंगे, आईएनए बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस, तो उसमें एक ब्रिगेड का नाम पता है क्या रखेंगे, नेहरू ब्रिगेड, समझ रहे ना, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब लाहौर सेशन हुआ था ना, उससे पहले जब जो मोती लाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, याद है मैंने क्या बताया था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल इसको कंडेम किया था कि आप डोमिनियन स्टेटस अब क्यों ले रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने एक अपनी अलग इंडिपेंडेंस लीग बना ली थी, हमने इस पे इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अच्छे दोस्त थे। आपको बता दूं कि जब 1939 में सेशन होगा, त्रिपुरी सेशन होगा, चलिए फिलहाल हम त्रिपुरी सेशन पे ही आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थे, थोड़ा लेफ्ट लीनिंग थी इनकी, सोशलिस्ट लीडर थे,
तो जो कांग्रेस में युवा तबका था वो सुभाष चंद्र बोस को और नेहरू को, दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी। इनका जो तरीका था कि हमको आजादी लेनी है, कैसे भी लेनी है, हम लड़के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी, आजादी चाहिए, आजादी के लिए अगर थोड़ा बहुत वायलेंस हो जाता है, अगर हमको लड़ने की भी जरूरत पड़े तो हम लड़ेंगे। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया था, बोस ने पहले बोल दिया था यहां पे गांधी जी से कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मौका है, इधर जर्मनी ब्रिटिशर की बैंड बजा रहा है इस समय, भारतीयों से बोलो हथियार उठाएं, लड़ाई करें ब्रिटिशर से, वो भाग जाएंगे, छोड़ के भागेंगे, दुम दबा के भागेंगे। लेकिन गांधी जी किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ थे, तो गांधी जी थोड़ा ओल्ड आइडिया के थे, ओल्ड कांग्रेस थे बेसिकली वो, ठीक है। बोस नए थे, युवा थे वो, नौजवान, और सुभाष चंद्र बोस की उस समय तूती बोल रही थी, 1938 में उनको प्रेसिडेंट तो बना ही दिया था कांग्रेस का। तो यहां पे 1939 में जब त्रिपुरी सेशन होता है, मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव, जब त्रिपुरी सेशन होता है कांग्रेस का सेशन, सबसे विवादास्पद सेशन जो आज तक रहा है कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब हुआ क्या कि गांधी जी ने पट्टा भी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। अब ये कांग्रेस में एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी मानने लगे थे, लेकिन कुछ भी हो गांधी जी बोल रहे थे कि कोई भी वायलेंस नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने थोड़ा बिगड़ा हुआ बेटा बना दिया था, याद रखिएगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे। जब रेडियो पे बाहर से 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को संबोधित किया, तब उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया था। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है, भले ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, और यहां पे हर किसी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी, दोनों ही विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन आप एक चीज देखिए, हर कोई भारत की आजादी के लिए काम कर रहा है, और ये इसकी इस चीज की हर कोई इज्जत करता है। सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं, भगत सिंह भी महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं, हर कोई इस चीज की इज्जत करता है कि ये सब भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, देश को सबसे ऊपर माना है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीत गए, और पट्टा भी सीतारमैया, ये थे महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट, ये ओल्ड लीडर थे, लेकिन पट्टा भी सीतारमैया हार गए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन गांधी जी को बहुत धक्का लगा। गांधी जी, हम लोग भले ही उनको कितना भी अच्छा कह लें, लेकिन एक जगह वो चूक गए। गांधी जी खुद भी बोलते हैं कि मेरा जितना क्रिटिसिज्म हो सके करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और यहां पे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए साजिश तो की थी, आप इससे नकार नहीं सकते। तो यहां पे गांधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही समझदारी दिखाते हुए पार्टी से रिजाइन कर दिया। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी से रिजाइन कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया 1940 में। लेकिन तब तक सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, सुभाष चंद्र बोस को बड़ी ही टाइट सिक्योरिटी में रखा गया, लेकिन वहां से निकलने में, भागने में कामयाब हो गए सुभाष चंद्र बोस। वहां से निकल गए, सबसे पहले कहां जाएंगे, वर्ल्ड वॉर टू चालू था, सबसे पहले जर्मनी गए। अब ऐसा बोला जाता है कि जर्मनी में वो हिटलर से भी मिले थे, और ये सच भी है, हिटलर से भी सुभाष चंद्र बोस ने, और हिटलर सोचिए उस समय की बात है दोस्तों, 1940s में हिटलर की ताकत कितनी ज्यादा हो गई थी, ब्रिटिशर को भी हरा, ब्रिटिश को भी हराने वाला था वो, पूरे यूरोप को तो जीत ही लिया था, हिटलर के सामने खड़े होने में भी हालत खराब होती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कंधे से कंधा मिला के हिटलर के सामने खड़े हुए। उन्होंने मांगे रखी कि इधर आप ब्रिटिश को हरा रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि ब्रिटिश को हराएं, लेकिन हम दूसरी साइड से जाएंगे, तो जर्मनी से हेल्प ली। तो इधर महात्मा गांधी ब्रिटिश को क्या करने वाले हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट और पूरा उनका आंदोलन जारी है, और इधर सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बनाएंगे और वो आर्मी भारत में लेके आएंगे, ये चीज आप समझे। तो जर्मनी ने अफ्रीका में बहुत सारे कैदी बना लिए थे, क्योंकि वॉर हो रही थी, जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनी थी वहां वहां जर्मनी वॉर छेड़े हुए था, अफ्रीका में भी यही चीज थी। तो जो जर्मनी ने अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, जो कॉलोनीज थी ब्रिटिशर की वहां पे जो लड़ाई लड़ी, उसमें कुछ 4,500 इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर बना लिया था जर्मनी ने। तो यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जो बड़े ऑफिसर्स उनसे ये आग्रह किया कि ये जो कैदी हैं आप मुझे दे दें, आप बस मुझे दे के देखिए, मैं ब्रिटिशर के खिलाफ इनका इस्तेमाल करूंगा और भारत को आजाद कराऊंगा। तो वो मान गए, और जर्मनी ने पूरा बकायदा अच्छे से फैसिलिटी दी। लेकिन दोस्तों जर्मनी से भी दिक्कत हो गया, पहले
प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जर्मनी, यहां पे पता चल गया 1942 के बाद कि जर्मनी भी हारने वाला है, जब उसने यूएसएसआर को इन्वेड कर दिया और बैटल ऑफ लंदन हुई, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। तो वहां से फिर दूसरा रास्ता खोजने लगे सुभाष चंद्र बोस कि अब जर्मनी से तो हमको आजादी नहीं मिलेगी, मतलब जर्मनी के थ्रू हमको आजादी नहीं मिलेगी, तो अब हम कहाँ जाएं, तो वो जापान गए। जापान उस समय एक्सेस पावर के साथ था, आपको पता ही है, और जापान इधर ये भी डर था कि कहीं भारत को जापान ना इन्वेड कर दे, और जापान भी यही सोच रहा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे, ठीक है, वहां पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले सितंबर 1942 में, 1942 में, 1942 में पहला डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्म हुआ था। लगभग लगभग 6,500 सोल्जर बनाए गए थे सिंगापुर में। ये इंडियन नेशनल आर्मी को क्या थी, आजाद हिंद फौज क्या थी, आजाद हिंद फौज भारत को आजाद कराने के लिए एक पूरी फौज बनाई गई थी। तो गांधी जी बिल्कुल इस आइडिया के खिलाफ थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस आइडिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। और उसके बाद जब पूरा देश ये मांग करने लगा, 1940 आते आते सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे पॉपुलर लीडर थे दोस्तों। गांधी जी की तरह थे सुभाष चंद्र बोस, जितना गांधी जी पॉपुलर थे उतना सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब किसी भी हिंदुस्तानी ने नहीं सुना, रातों रात सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। 2 साल हो गए, 1942 आ गया, नहीं सुनाई दिया सुभाष चंद्र बोस, कोई खोज खबर नहीं। तो लोग परेशान होने लगे, कैसे आजादी मिलेगी, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सबको जेल में डाल दिया गया, कैसे आजादी मिलेगी। और तब सुभाष चंद्र बोस हीरो स्टाइल में रेडियो पे बोलते हैं, कैसे हो मेरे भारतवासियों। तो यहां पे ये बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट था, और हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, और सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, ये ख्याल, ये फीलिंग जो थी ना, वो अलग ही थी कि भारत का पुत्र, भारत का असली वॉरियर, असली योद्धा जिंदा है, और अब भारत आजादी लेके रहेगा। तब वहां पे उन्होंने अपने मंसूबे बताए, और उसके बाद महात्मा गांधी को उन्होंने फादर ऑफ नेशन भी बोला। तो यहां पे इंडियन नेशनल आर्मी से की अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी के दो फेज थे। पहला फेज मोहन सिंह राजबिहारी घोष, मोहन सिंह ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया दोस्तों, ठीक है ना। जापान की तरफ से पूरा का पूरा सिंगापुर में ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि दोस्तों जापान ने पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उन सबको ऑक्यूपाई करके रख लिया था। जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनी थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दोस्तों, चाहे वो इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, ये सब यहां पे ब्रिटिशर को खदेड़ने में जापान कामयाब हो गया था, और जापान ने अपने सेंटर यहां पे बना लिए थे। हालांकि जापान ने बहुत बर्बरता की, उनकी इंपीरियल आर्मी तो पूरी पागल थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि सुभाष चंद्र बोस का को सपोर्ट जापान पूरा दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस की बात यहां पे जापानियों ने मान ली थी कि बिल्कुल आप इन्वेड करो, हम आपके साथ हैं। तो ये कमाल की चीज हुई। तो पहला फेज तो मोहन सिंह के समय में था। दूसरा फेज जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए, जुलाई 1943 में, हम ये देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, और जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं तब वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात थी। आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं कि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ रहे थे, तो नेहरू जी के घर, आपको बता दूं कि नेहरू जी का सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा घर था, ठीक है, वहां पे ही नेहरू जी जब भी जाते तो नेहरू जी वहीं ठहरते थे, दोनों लोग वहीं ठहरते थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस छोड़ रहे थे तो नेहरू जी उनसे मिलते हैं, और नेहरू जी बोलते हैं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। तो क्या होता है कि जो फूल था, ठीक है, एक गुलाब का फूल था, गुलाब का फूल की को उन्होंने दो हिस्से में किया, और जो नीचे की डली होती है ना, ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पास रख ली, जिसमें कांटे होते हैं, और फूल दे दिया जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि अब क्या करूं, आपके राह में तो फूल ही फूल है, हमारी राहों में कांटे हैं। ये डायलॉग बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत सारे लेटर्स है दोस्तों, बहुत सारी किताबें लिखी गई है। तो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे दोस्त थे, हाँ विचारों में मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं था, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थी, ये चीज आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि पूरी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि रेजिमेंट के नाम भी दिए गए, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, उसके बाद नेहरू रेजिमेंट। तो फिर यहां पे
जर्मनी ने, जापान ने, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले भारत को इन्वेड करने की कोशिश की, अंडमान और निकोबार आइलैंड तो ले लिया। फिर हम ये देखते हैं कि जो बैटल ऑफ इंफाल और बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ कोहिमा ऐसा बोला जाता है ना कि बैटल ऑफ नॉर्मेंडी अभी तक सबसे डेडलीस्ट बैटल है, लेकिन अब बैटल ऑफ कोहिमा का नाम आने लगा है कि सबसे खतरनाक, सबसे डेडलीस्ट बैटल हुई थी बैटल ऑफ कोहिमा। यहां पे जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी उसने पार्ट लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन नेशनल आर्मी को हार झेलनी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी वो हार गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने हार नहीं मानी। लेकिन जब तक सुभाष चंद्र बोस पूरी आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर पाते, 1945 में प्लेन क्रैश हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। अब इस पे भी डाउट है कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी। बहुत सारी कमिटीज बैठाई गई दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चले, अब गुमनामी बाबा और बहुत सारी चीजें थी, इसमें हम नहीं जाएंगे, किसी और दिन हम बात करेंगे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत बड़ा है। अब दोस्तों इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ, भले ही सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी हार गई, लेकिन इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ कि आर्मी ने विद्रोह कर दिया। कैसे, देखिए, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, मूड खराब हो गया लॉर्ड वेवल का, ब्रिटिशर का। उन्होंने क्या बोला, छोड़ना नहीं है बेटा आप किसी को, जितने भी लोग ब्रिटिश के खिलाफ थे, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ेगी, तुम्हारी औकात इतनी है, बेइज्जत करेंगे तुमको, बीच बाजार में बेइज्जत करेंगे, ये ब्रिटिशर ने बोल दिया। सरकार भी चेंज हो गई थी दोस्तों, सरकार क्या चेंज हो गई थी, सरकार देखिए, विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर टू जीते थे, अब ब्रिटिश अकेला लड़ रहा था और विंस्टन चर्चिल लकीली वर्ल्ड वॉर टू को जिताने में कामयाब हो गए। हालांकि किस्मत का साथ था ब्रिटिश को, लेकिन भैया अब वही है ना, उस समय जो लीडर होगा, जीत में जो लीडर होता है, नाम उसी का आएगा। तो भैया इधर स्टालिन, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, ब्रिटिश के, तो विंस्टन चर्चिल को पूरा यकीन था कि मैंने तो वर्ल्ड वॉर टू तुमको जिताया है और हम जीतेंगे, हम जो इलेक्शन, क्योंकि 1945 में इलेक्शन भी होने वाले थे ब्रिटिश में, तो हम जीतेंगे क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर टू जीता है। तो विंस्टन चर्चिल को इस बात का पूरा यकीन था कि जो जनता है वो एक ऐसे लीडर को बिल्कुल भी नकारे की जिसने उसको इतना बड़ा युद्ध जिता के दिया। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, विंस्टन चर्चिल हत्यारा था, बंगाल फेमाइन दोस्तों 1943 में, पूरा का पूरा मैनमेड फेमाइन, जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, 20 से 30 लाख लोग बंगाल में मर गए, सड़कों पे लाशें ऐसे पड़ी रहती थी, चील कौवे गिद्ध उन लाशों को खाते थे, भूख से लोग मर गए, जो भी अनाज जा रहा था वो सब आर्मी को दो, ये बोल दिया था विंस्टन चर्चिल ने। और बहुत ही बुरी कंडीशन थी दोस्तों, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, आप जरूर पढ़िएगा उसको, अलग टॉपिक क्या इसी में ही है, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि विंस्टन चर्चिल हार गए और लेबर पार्टी, सोशलिस्ट आइडिया की पॉलिटी, सोशलिस्ट आइडिया की पार्टी, लेबर पार्टी जो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है ब्रिटेन की बात करें, लेबर पार्टी जीत जाती है और क्लेमेंट एटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो विंस्टन चर्चिल को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन यहां पे एटली और जितने भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, इनको छोड़ना नहीं है, ये भारतीय जो है इनको छोड़ना नहीं, और ये इनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बहुत ही फेमस ट्रायल्स एट रेड फोर्ट चलाए गए कि जो लोग हमारे खिलाफ, जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाई की, छोड़ेंगे नहीं उनको, ठीक है ना। नवंबर 1945 में पहला ट्रायल होता है नई दिल्ली में, लाल किला, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, यहीं पे ही रहते थे मुगल्स, तो यहां पे ट्रायल होते हैं, किसके किस किनके किन किनके किनके ऊपर चलाया जाता है, तीन लोगों के ऊपर, नाम याद रखिएगा दोस्तों, प्रेम कुमार सहगल पहला, दूसरा नाम शाह नवाज खान, मुस्लिम भी आ गए यहां पे, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, और तीसरा नाम गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, तिग्मांशु धूलिया ने बनाई है, बहुत ही बेहतरीन मूवी, आप जरूर देखिएगा। तो इन तीनों के ऊपर पब्लिकली मुकदमा चलाया गया रेड फोर्ट के अंदर, हर किसी ने इस चीज को कंडेम किया कि आप क्या कर रहे हो, बकवास, आप जो कर रहे हो, आप सोचते हो हम आपका साथ देंगे। मुस्लिम लीग ने भी इसको कंडेम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो बकायदा लॉयर्स भेजे थे इनको बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई, आर्मी ने अपराइजिंग कर दी यहां पे, आर्मी ने साथ छोड़ दिया। देखिए आर्मी का साथ छोड़ना क्यों था,
इमीडिएट कॉज था ये जो ट्रायल्स रेड फोर्ट पे चलाए गए, ये जो आर्मी के खिलाफ ट्रायल्स चलाए जा रहे थे ब्रिटिशर द्वारा, इससे आर्मी का मूड खराब हो गया। दूसरी चीज ये थी दोस्तों, एक तो ये इमीडिएट कॉज, दूसरी ये थी 1857 से लेकर 90 साल हो गए थे, लेकिन जो सोल्जर्स के साथ बिहेवियर किया जाता था ना, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो सुपीरियोरिटी थी वो अभी भी ब्रिटिशर के पास थी, तो बड़ा गाली गलौज करते थे, खाना थर्ड क्लास दिया जाता था, बहुत ही बकवास खाना दिया जाता था, और प्रायोरिटी यहां पे हमेशा ब्रिटिशर को जीत दी जाती थी। साथ ही साथ पैसे बिल्कुल नहीं थे, सैलरी बिल्कुल नहीं थी, प्रमोशन बिल्कुल नहीं था। तो जो 1857 में इंडियन आर्मी के हालात थे ना, इंडियन आर्मी के जो ब्रिटिश में इंडियंस काम कर रहे थे, इंडियन आर्मी बेसिकली ब्रिटिश के ही अंदर थी, वही हालात 1947 में थे। तो यहां पे मूड खराब हो गया और इंडियन आर्मी ने विद्रोह कर दिया, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ नहीं अब करने वाले हैं, तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, ये जान लो, ये इंडियन आर्मी ने बोल दिया। उसके बाद जितनी भी मुस्लिम लीग हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन सब ने इस चीज को बोला कि ये जो ट्रायल्स हो रहे रेड फोर्ट पे ये बिल्कुल गलत है। हिंदू महासभा, आरएसएस, हर किसी ने इसको कंडेम किया। लोग भी सिंपेथाइज करने लगे, क्यों, लोग भी आर्मी के साथ हो गए, लोग यहां पर ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। अब लोगों का डर भी नहीं था, क्यों नहीं डर था, क्योंकि आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया है तो डर काहे का। पहले तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो लोगों को बहुत मारा जाता था, लोग अगर ब्रिटिशर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे बड़ा डंडे पड़ते थे, गोलियां चला दी जाती थी, लेकिन अब तो गोलियां चलाने वाले ही हमारे साथ हो गए हैं, काहे का डर, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो यहां पे इंडियंस जो थे ना वो फुल ऑन प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर के खिलाफ, तब ब्रिटिश को पता चला बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ इवेंट्स हुए दोस्तों, सबसे पहले तो कलकत्ता में प्रोटेस्ट चालू हो गए आईएनए ट्रायल्स में, ट्रायल्स के खिलाफ। अगले ही हफ्ते 1945 में जब पता चला कि रेड फोर्ट पे ट्रायल हो रहे हैं और हमारे भाइयों, हमारे फौजी भाइयों पे ट्रायल हो रहा है, तीन फौजी भाइयों पे ट्रायल हो रहा है, फांसी पे लटका देते ब्रिटिशर, तो कलकत्ता में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि कलकत्ता में एक राशिद अली, इंडियन नेशनल आर्मी के ही ऑफिसर थे दोस्तों, उनको 7 साल की सजा दी थी, इसके खिलाफ और ज्यादा प्रोटेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी चीज नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी, ये फरवरी 18, 1946 में शुरू हुई। एक्चुअली उस समय जो रेटिंग्स सेलर्स जो होते थे ना उनको पहले रेटिंग्स बोला जाता था, ठीक है। तो यहां पे HMIS तलवार एक शिप था, याद रखिएगा HMIS तलवार, ये ब्रिटिश का ही था, ठीक है, इंडियन की तरफ से। तो HMIS तलवार पे यहां पे रेटिंग ने, एक सेलर ने लिख दिया था, बहुत ही खराब चीजें ब्रिटिशर के खिलाफ जो बिल्कुल भी वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। यहां पे ब्रिटिशर के खिलाफ क्विट इंडिया लिख दिया गया था कि भारत छोड़ो, ठीक है, जो शिप था, और पूरा ये बकायदा लिख दिया गया था। उसके बाद तुरंत उस सेलर को अरेस्ट किया गया। 1946 में नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी स्टार्ट हो गई। बॉम्बे में जितने भी सेलर्स थे, जो नेवी थी, वो स्ट्राइक पे चली गई, यानी कि आपकी सैन्य ताकत तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, साथ ही साथ आपकी नेवी भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसको नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी भी बोला जाता है। तो यहां पे बहुत बुरी हालत हो गई, हाथ पाओ फूल गए भैया, ठीक है ना। तो यहां पे ब्रिटिशर को फिर ये एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसके बाद ब्रिटिशर ने अपना स्टैंस बदला कि उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा जो लोग बड़े वॉयलेंट थे, ठीक है ना, जिन्होंने कत्ल किए। तो ये सारी चीजें हुई दोस्तों, और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, अब भारत को आजादी चाहिए, ये सबको पता चल गया, आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया, लोग हमारे खिलाफ हैं, तो अब कैबिनेट मिशन प्लान आएगा दोस्तों। वो जो दो लेक्चर्स हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, आखिरी के दो लेक्चर्स बचे हुए हैं। खुश रहे, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।